दोस्तों, भारत के बारे में कहते हैं, मेरे देश की धरती उगले हीरे मोती, क्योंकि एक समय पर ऐसा था कि सारी दुनिया में सबसे ज्यादा धन अपने भारत के पास ही था। सब कुछ तो दुश्मनों द्वारा लूट लिया गया, मगर आज भी एक बेहद ही कीमती संपत्ति है जो भारत की इसी मिट्टी पर उग रही है। दोस्तों, क्या आपने भारत के लाल सोने का नाम सुना है? भारत का लाल सोना कुछ और नहीं बल्कि लाल चंदन है, वही चंदन जिसे भारत की साउथ की मूवी पुष्पा में बताया गया है। दोस्तों, प्राइम वीडियो पर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा एक ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। भारत में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो इस मूवी से अनजान होगा। आपने इस मूवी को देख ही लिया होगा, और आपने नहीं देखी है तो मैं आपको बता दूं कि ये मूवी लाल चंदन पर ही बेस्ड है। इस मूवी को देखने के बाद आप समझ जाएंगे लाल चंदन को लेकर कितनी मेहनत मकशत करनी पड़ती है। लाल चंदन को रक्त चंदन भी कहा जाता है। रक्त चंदन कहने का कारण ये है कि इस लाल चंदन के चक्कर में आज तक ना जाने कितनों ने ही अपना रक्त बहाया है। दोस्तों, लाल चंदन दुनिया में सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष में ही पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है। दोस्तों, आप इमेजिन करिए कि इसकी असली कीमत क्या हो सकती है। आप सब इस लकड़ी की असली कीमत के बारे में सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, लाल चंदन लकड़ी की कीमत 26,000 से 30,000 रुपये प्रति किलो है। एक पेड़ से कम 20 से 25 किलो तक लकड़ी निकल जाती है, जिसे बेचकर कम से कम 5 से 6 लाख रुपए मिल जाते हैं। अगर ऐसे देखें तो एक लाल चंदन पेड़ की कीमत 6 लाख रुपए है, और एक टन लाल चंदन की कीमत तो 2 करोड़ हो जाती है। अब हैरान होना तो लाजमी है। अब ये तो आपको पता होगा कि जो चीज़ इतनी कम होती है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा होती है। इसकी इतनी कीमत होने की वजह सिर्फ यही है कि ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। लाल चंदन भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ही होता है। इसी लाल चंदन के चक्कर में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर चीन द्वारा कई बार युद्ध किया गया, और ना जाने कितनी जानों ने रक्त बहाया। चीन, जिसे दुनिया भर ने अपना दुश्मन घोषित कर दिया है, वो भारत के पीछे आज से नहीं बल्कि सदियों से घात लगाए हुए बैठा है। भारत में होने वाले लाल चंदन के बारे में जैसे ही चीन को पता चला, उसने ना जाने कितने ही षड्यंत्र रचे उस लाल चंदन को पाने के लिए, और हमेशा इसे पाने के लिए बेकरार रहता है। दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर इस लाल चंदन में ऐसा क्या है, आखिर इसे किस काम के लिए उपयोग किया जाता है, और आखिर क्यों चीन इसके पीछे पड़ा है। तो दोस्तों, आज आपके सभी सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो में देंगे, और लाल चंदन की छोटी छोटी जानकारी इस वीडियो के जरिए आपको बताएंगे, ताकि अगली बार जब भी आप लाल चंदन के बारे में बात करें तो आप इसकी पूरी कथा खोल दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, लाल चंदन भारत के दो राज्यों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में उगता है। वहाँ भी हर जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों में प्रचुर मात्रा में होता है, चित्तूर, कडप्पा, कुर्नूल और नल्लोर में फैले सोचाचलम की पहाड़ियों में। इस बात से आप इसके खास होने की वजह समझ सकते हैं। दोस्तों, इस पेड़ की एवरेज हाइट 8 से 11 मीटर होती है। पूरे विश्व में चंदन की 16 प्रजातियां हैं, जिसमें सेंथलम एल्बम प्रजातियां सबसे सुगंधित और औषधियुक्त मानी जाती है। रक्त चंदन का साइंटिफिक नाम टेरोकार्पस सेंथिलिनियस है। इसकी लकड़ी लाल होती है, इसमें सफ़ेद चंदन की तरह कोई खुशबू नहीं होती। दोस्तों, लाल चंदन के पेड़ की सबसे खास बात जो इस पूरी दुनिया में कुछ ही खास चीज़ों को मिली है, वो इसका वक्त, यानी कि इसे उगाने में कितना समय लगता है। आप सोच रहे होंगे कि इतना कीमती है तो शायद 5, 10 या 15 साल में उग जाता होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें, इसकी खेती करने में पूरे 30 साल का समय लगता है, और अगर इसे जैविक खेती का तरीका उपयोग करके लगाया जा रहा है तो शायद 15 साल में इसकी उपजता हो जाती है। रक्त चंदन की खेती सभी तरह की मिट्टी में हो सकती है, लेकिन रेतीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, काली दानेदार मिट्टी में इसके पेड़ अच्छे से बड़े होते हैं। इसकी खेती ऐसी जगह पर नहीं हो सकती जहाँ पर पानी का जमाव होता है। इसका मुख्यतः उपयोग दवा, इत्र, फर्नीचर और सजावट के सामान, विभिन्न प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में किया जाता है। कई लोग प्राकृतिक रंग और शराब बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, लाल चंदन से कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती है, और उसमें लाल चंदन के पाउडर से जैसे स्किन एलर्जी, एक्जिमा, सूजन, जलन का इलाज हो सकता है। कहते हैं एक्जिमा के मरीज को खुजली हो और उसमें से लाल चंदन के पाउडर के साथ कपूर के साथ पेस्ट बनाकर लगा दिया जाए तो मिनटों में उसे ठीक कर देती है, और ये चमत्कारी आराम पहुंचाती है। और दोस्तों, सफ़ेद चंदन का लेप हमारे चेहरे पर निकाल ला सकता है,
उसी प्रकार से लाल चंदन का लेप भी हमारे चेहरे की खूबसूरती बढ़ा देता है। इसके इस्तेमाल से कील मुहासे भी ठीक हो जाते हैं, इसीलिए लाल चंदन और भी डिमांड में रहता है। अमेरिका के सेंट जनरल ऑफ ब्रेस्ट कैंसर बेसिक एंड क्लिनिकल रिसर्च के मुताबिक बिहार के वैज्ञानिकों द्वारा रक्त चंदन शोध की तारीफ की गई। वैज्ञानिकों ने रक्त चंदन में मौजूद प्रतिरोधक क्षमता के बारे में नई खोज की है। इसमें स्तन कैंसर के प्रतिरोधक क्षमता की मौजूदगी का पता लगाया गया है। कहा जाता है कि रक्त चंदन को सेव और शाक्त मत के लोग मानने वाले अधिक प्रयोग करते हैं। और आपको बता दें दोस्तों, ये पीले चंदन का इस्तेमाल वैष्णव मत को मानने वाले अधिक करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी डिमांड बहुत अधिक है, यही वजह है कि इसकी सुरक्षा इतनी ध्यान से की जाती है। ऐसे में 2.25 लाख हेक्टर इलाके में फैले इस चंदन की पहाड़ियों की सुरक्षा अहम होती है। दोस्तों, स्मगलिंग करने की मात्रा कई छोटी मोटी नहीं होती। प्रत्येक वर्ष कम से कम 20,000 करोड़ रुपए के लाल चंदन का इल्लीगल सप्लाई करता है। जरा सोचिए दोस्तों, हर घर से लीगल किया जाता तो भारत वर्ष को कितना फायदा हो जाता। और यही कारण कि भारत में इसके लिए सजाएं सुनाई गई है। कोई भी लाल चंदन की तस्करी करते पकड़ा जाए तो उसे 11 वर्ष की सजा सुनाई जाएगी। लाल चंदन की सबसे ज्यादा तस्करी और कहीं नहीं दोस्तों, हमारे सबसे करीबी दुश्मन चीन में होता है। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा, चीन में आयुर्वेद मेथड से इलाज करना पसंद करते थे। कुल मिलाकर आयुर्वेद इलाज बहुत ही यूजफुल भी होता है, इसीलिए चीन में लाल चंदन की डिमांड बहुत ज्यादा है। सिर्फ चीन ही नहीं, जापान, मंगोलिया में लोग लाल चंदन से कई तरह की दवाइयां बनाते हैं, जिसमें कई तरह की बीमारियों के इलाज होते हैं। इन दवाइयों की रेसिपी तो कोई नहीं जानता, मगर चीन और जापान के लोग इसका इस्तेमाल करना बखूबी जानते हैं। 500-700 साल पहले की है, जब चीन में मिंग राजवंश का काल था। सन 1400 से लेकर 17वीं सेंचुरी तक चीन में मिंग राजवंश रहा, जिसमें लाल चंदन की खूब महत्वता रही। राज में लाल चंदन से तरह तरह के फर्नीचर तैयार किया जाता था और इनको लाल चंदन से बनाए गए सामान का शौक था। इसीलिए मिंग वंश के राज में चाइना में लाल चंदन का खूब सप्लाई होता था। दुनिया भर से लाल चंदन मंगवाई जाती थी और उसमें नक्काशी करके चीजें बनाई जाती थी, और उन्हीं चीजों का संग्रह करके एक म्यूजियम भी तैयार किया गया है जो चाइना में मौजूद है, और इसका नाम है रेड सैंडलवुड म्यूजियम। यही वजह है कि चीन में आज तक लाल चंदन से बनी चीजों को अहमियत दी जाती है, और लाल चंदन से बने फर्नीचर और सजावट के सामान का घर में रखना एक सम्मान की बात मानी जाती है। इसीलिए चीन में रहीशों के घर पर आपको लाल चंदन से बनी चीजें देखने को मिल जाती है। जापान में भी एक समय में लाल चंदन की खूब महत्वता थी, मगर धीरे धीरे जैसे कि सभी लोग पुरानी परंपरा को भूलते जा रहे हैं, वैसे जापान में एक पुरानी परंपरा है जिसमें वहाँ की पारंपरिक शादियों में बजाए जाने वाली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट शामी शिम को लाल चंदन से बनाया जाता है, मगर वक्त के साथ साथ परंपरा भी खत्म हो गई और लाल चंदन की डिमांड भी। मगर चाइना में आज भी लाल चंदन डिमांड में है, इसीलिए स्मगलर को अच्छी रकम दी जाती है। यही वजह है कि आज कोई भी अपनी जान को जोखिम में लेकर लाल चंदन की तस्करी करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ तस्कर पकड़े जाने के डर से लाल चंदन की पाउडर के रूप में भी तस्करी करते हैं। दोस्तों, भारी मात्रा में तस्करी होने के कारण 2.25 लाख हेक्टर में फैली शेषाचलन की पहाड़ियों के कई हिस्सों में पाई जाने वाले इस खास लकड़ियों की तादाद 50% तक कम हो गई है। 5 साल पहले 2015 में एनकाउंटर में 20 तस्करों की मौत हो गई थी, इसके साथ कई बड़ी संख्या में गिरफ्तारी भी हुई। लीगली देखा जाए तो आंध्र प्रदेश के वन विभाग की वेबसाइट के मुताबिक चीन, जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, अरब अमीरात और पश्चिमी देशों के 400 व्यापारी बोली लगाते हैं, जिनमें लगभग 150 चीनी कारोबारी होते हैं। और दोस्तों, बाकी की चीजें आपको पुष्पमूवी देखकर समझ में आ जाएगी। इसके बारे में कुछ भी बताकर हम आपको स्पॉइलर देना नहीं चाहते। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपके मन में जितने भी सवाल थे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके मन में और भी कोई सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि हम उनका जवाब ला पाएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, इसको शेयर करना अपने दोस्तों में, भारत के लाल सोने के बारे में जरूर बता देना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।